ट्रैफिक की समस्या से जूझते उदयपुर वासियों के लिए नगर निगम एक नया प्लान लेकर आए हैं। इससे स्थानीय लोगों के साथ ही उदयपुर घूमने आने वाले देशी विदेशी सैलानियों को भी राहत मिलेगी। क्या है उदयपुर नगर निगम का वो प्लान, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। उदयपुर की बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए नगर निगम ने काम करना शुरू कर दिया है। नगर निगम ने पहले रेलवे स्टेशन से कोट चौराहे तक एलिवेटेड रोड बनाने का प्लान तैयार किया था, लेकिन विरोध के चलते ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। ऐसे में अब दिल्ली गेट चौराहे और भट्टा चौराहे पर दो छोटे छोटे एलिवेटेड रोड बनाने की तैयारी की है, जिससे इन चौराहों पर यातायात का दबाव कम किया जा सके। यही नहीं, नगर निगम ने जिला कोर्ट के अंदर भी यातायात व्यवस्था को सरल बनाने का प्लान तैयार किया है, जिसके तहत चांदपोल पुलिया से अम्बापोल तक नई पुलिया का निर्माण किया जाएगा, जिससे चांदपोल इलाके में लगने वाले जाम से लोगों को निजात दिलाई जा सके। एक हमने पॉइंट सेलेक्ट किया है कि दिल्ली गेट वाला, तो दिल्ली गेट के ऊपर भी ट्रैफिक बहुत कंजेशन रहता है, तो वह हम सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, अभी फाइनल नहीं हुआ है, पर वहाँ पर भी ट्रैफिक को सेग्रेशन कर दिया, मतलब एक वर्टिकल चला जाए, नीचे से चला जाए। उदाहरण के तौर के ऊपर कलेक्ट्रेट साइड से आए, नीचे होता हुआ वो चला जाए। दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार लेक सिटी की सुंदरता में ट्रैफिक जाम एक बदनुमा दाग सा है। हर साल हजारों की संख्या में देसी विदेशी सैलानी यहाँ आते हैं। ऐसे में अगर यातायात व्यवस्था को सुधारने में निगम का प्लान सक्सेस होता है, तो शहर वासियों के साथ यहाँ सैलानियों को भी बड़ी राहत मिलेगी। अविनाश जगनावत, जी मीडिया, उदयपुर।